हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है निकांतिल फैमिली व्लॉग्स में। तो आज है ट्यूसडे और आज है महाशिवरात्रि। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आपके घर में खुशियां आए और जो भी आप चाहते हो, जो भी आपके दिल की मनोकामनाएं हैं वो पूरी होए। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं दिन की शुरुआत। तो बच्चों की तो है छुट्टी, तो आज मैं बना रही हूँ खाने में राजमा दाल और सब्जी। सब्जी तो नहीं बनाऊंगी वैसे, तो राजमा बनाई है, चावल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। तो आज हमारा है लंच ये। तो बच्चों ने दूध वगैरह तो पी लिया था सुबह, और बहुत दिन हो गए सच में। मेरी जाड़ में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इस साइड वाले में, तो ये खोखली हो चुकी है अंदर से, तो बहुत ज्यादा पेन हो रखा है। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ रेगुलर ही। तो आगे थोड़ा थोड़ा है अभी भी दर्द, लेकिन ये है कि हाँ ठीक है। तो बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी और ना ही रेगुलर में डाल पा रही थी। तो आज मैंने सोचा मखा चलो बनाती हूँ थोड़ा बहुत ऐसे ही। और क्या कहते हैं, अभी मैं लगा लेती हूँ दाल में तड़का। वैसे मैंने आटा भिगो के रख दिया है, और साथ में राजमा भी मैंने उबाल के रख दी थी। तो अभी मैं डाल दूंगी इसमें ऑयल। तो राजमा वैसे चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है, रोटी के साथ तो मैं बहुत कम खाती हूँ। तो इस वजह से मतलब हमारे घर में भी राजमा ना रोटी के साथ बहुत कम खाते हैं। पापा तो वैसे ही बहुत कम खाते हैं राजमा, उनको बहुत कम अच्छी लगती है, पर मेरे को अच्छी लगती है ज़्यादा। तो इस वजह से तो मैं बना लेती हूँ राजमा। चावल मेरे बहुत फेवरेट है, और नमकीन चावल भी बहुत फेवरेट है, और पुलाव जिनको बोलते हैं, और बिरयानी भी बोलते हैं वेज बिरयानी, उसमें सब्जी वगैरह डाल के बहुत सारी। तो उस तरीके से बनाती भी हूँ मैं। कई बार मैंने वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया है, तो अच्छी बनती है और अच्छी भी लगती है। और अभी मैं स्टार्ट कर दूंगी तड़का लगाना। तो ऑयल मैंने डाल दिया है, तो रेसिपी वगैरह मैंने पहले भी शेयर की हुई है राजमा बनाने की। तो मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ राजमा, वैसे ज्यादा ताम झाम नहीं करती हूँ। और चावल मेरे यहाँ पे बन चुके हैं। चावल ये देखो, ये यहाँ पे बने रखे हुए हैं, इसमें तो छान के मैंने रख दिए हैं चावलों में। तो फिर मैं नहाने चली गई थी, तो मैंने सोचा महा चलो बाद में अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं और साथ में खाना भी बन जाएगा हमारा। तो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि कैसे मैं बनाती हूँ। वैसे ज्यादा बनाना इतना औखा काम नहीं है, फिर भी अलग अलग तरीके होते हैं सभी के जैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर काट के रखे हुए हैं। तो ये देखो, ये मैंने टमाटर काट लिए हैं, और ये प्याज है, और जो मिर्च मसाला है वो भी मैंने यहाँ पे कूट लिया है। जो ये मिर्च मसाला है ना, मैं हमेशा कूट के ही डालती हूँ इसको, वैसे नहीं डालती हूँ, क्योंकि इसमें अदरक है, लहसुन है, और अगर काट के डाले ना तो मुंह में आ जाता है लहसुन भी और अदरक भी। तो इस वजह से इसके पापा पसंद नहीं करते ऐसे खाना, तो हमेशा मैं कूट के ही डाल देती हूँ। तो इसमें भी बोलते हैं पता नहीं कूटा है या नहीं कूटा है इन्होंने। तो ऐसे ही चलती रहती है, रेसिपी वगैरह मैं शेयर करती रहती हूँ। बट ये है कि हाँ कभी कभी इनको बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है बनाया हुआ, ज्यादातर तो नहीं आता लेकिन हाँ आ जाता है कभी कभी। तो इस वजह से, और मिर्ची बहुत कम खाते हैं हम, मिर्ची ज्यादा नहीं खाते हैं, और नीरस तो बहुत कम खाते हैं। तो इस वजह से, और अभी स्टार्ट कर देते हैं। मेरा तेल भी गर्म हो गया है, बातों बातों में मैं आप लोगों से बातें कर रही थी तो साथ में मेरा तेल भी गर्म हो गया है। अभी स्टार्ट कर देती हूँ मैं रेसिपी बनाना। पहले मैं ना इसमें थोड़ा जीरा डालूंगी। तो जीरा, वैसे जीरा भी ये कम ही रेफर करते हैं खाना, मतलब कम पसंद करते हैं, तो मैं थोड़ा ही डालती हूँ, ज्यादा नहीं डालती हूँ जीरा भी। लेकिन ये है कि हाँ भाई उल्टा हो जाता है, हाँ हमें पसंद हो जाता है, इनको नहीं पसंद होता है। तो इस वजह से अब डालूंगी मैं प्याज। ये प्याज की रेसिपी है, प्याज डाल दिए हैं मैंने, ये अच्छे से है ना, इसको हम मतलब ब्राउन ब्राउन कर लेंगे इनको, तो तब तक ब्राउन हो जाएंगे ये, और ज्यादा भी ब्राउन नहीं करना है कि भाई ताकि ये जल जाए, ऐसा रखो कि हाँ ये मतलब ठीक अच्छे से पक जाए प्याज।
तो मसाला, अगर हम मसाला अच्छे से पकाते हैं ना, जैसे हम तड़का वगैरह लगाते हैं, तो सब्जी हमेशा अच्छी बनती है, जब तक वो जैसे तेल वगैरह ना छोड़ दे। और हमेशा मैं तड़का है ना तेल में ही लगाती हूँ। हमारे घर मतलब खेत में ही हम सरसों लगाते हैं, सरसों बोते हैं और फिर तेल निकलवाते हैं। मतलब कि ये है कि भाई शुद्ध होता है, शुद्ध और प्योर तेल होता है सरसों का तेल, तो मैं उसमें लगाती हूँ तेल। बाहर से लेके आते हैं ना, तो वो वाला तेल तो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और ना ही उसका मतलब, एक बार मैंने मंगा लिया तो वो मैंने यूज भी किया पर इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को। तो उस दिन के बाद है ना मैं घर वाला ही तेल निकलवाती हूँ। तो भाई घर की सरसों है तो क्यों बाहर से हम लेके आए, है ना, तो इसलिए। और क्या कहते हैं, और ये मैंने ये वाला चूड़ा डाला हुआ है, आप सब बताना कि कैसा लग रहा है। मेरे पास एक और है येलो कलर का, वो भी बहुत अच्छा लगता है चूड़ा, तो वो उसके लिए मेरे को एक रेड सूट सिलवाना पड़ेगा। वैसे मेरे पास है सिला हुआ एक रेड सूट, पर वो क्या है ना, वो शरारा है, वो साड़ी में से बनवाया हुआ मैंने। शरारा नहीं मतलब प्लाजो है, बहुत खुला खुला सा है वो, तो इस वजह से मैं फिर उसको मैं डाल नहीं सकती है। अगर शादी वगैरह हो ना तब तो उसको डाल भी लो। और अभी है ना चूड़ा मैं इसलिए डाल रही हूँ कि है ना अभी मतलब थोड़ी बहुत हल्की हल्की ठंड है, और क्या कहते हैं ज्यादा गर्मी भी नहीं है, तो इस वजह से तो मैं डाल ही लेती हूँ, और लगता नहीं है हाथों में अभी तो फिलहाल। और ये मिर्च मसाला मैंने डाल दिया है इसमें। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाया करो, ठीक है। और रेड बटन है ना रेड, तो उसको जरूर दबा दिया करो, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहेगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ठीक है, और लाइक कर दिया करो। वीडियो आप देख तो जाते हो पर लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो, ठीक है। पसंद आए या ना आए फिर भी एक लाइक कर दिया करो जरूर। और यहाँ पे मैंने मिर्च मसाला डाल दिया है इसमें, ये भी थोड़ा सा पक जाएगा, थोड़ा सा पकने देती हूँ मैं इसको, मैंने कम ही डाला है वैसे, और थोड़ा सा और डाल देती हूँ ताकि मतलब इसमें जो मैंने लहसुन और अदरक कुटा हुआ उसका स्वाद आ जाए राजमा में। मिर्च भी मैंने कम ही ली थी, लेकिन मैं सारा नहीं डालूंगी, फिर तीखा हो जाएगा ना, तो चावलों के साथ और ज्यादा तीखा लगता है सब्जी। रोटी के साथ तो फिर भी बहुत कम मतलब कम तीखा लगता है, पर है ना चावलों के साथ खाते हैं ना सब्जी तो वो ज्यादा तीखी लगती है, तो इस वजह से मैं इसमें कम ही रखूंगी। और उबाल के मैंने रख दी थी राजमा यहाँ पे, इसमें नमक डाल दिया था लेकिन हल्दी वगैरह नहीं डाली है। और दो टमाटर मैंने यहाँ पे काट के रखे हैं, और तीन प्याज लिए थे मैंने छोटे छोटे, तो ऐसे है। थोड़ा हम जैसे राजमा हो गए, छोले हो गए, उनमें ना ज्यादा प्याज जाते हैं और टमाटर जाते हैं। प्यूरी मैंने इसलिए नहीं बनाई, फिर वो ज्यादा बारीक बारीक से हो जाएगा, तो इस वजह से। तो मैं चाहती तो बना सकती थी, तो मेरी दोनों चीजें हो चुकी है ये। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, तो आप लोग बताना कि आप किस किस का फेवरेट है, ठीक है, राजमा चावल। और कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ किस किस को अच्छी लगती है। और आज शिवरात्रि के दिन में ये मतलब कर रही हूँ, क्या कहते हैं, वीडियो बना रही हूँ। ये आपके पास कल जाएगी, तो इसलिए कल के लिए आपको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं टमाटर, और टमाटर डालने के बाद अब डाल दूंगी इसके मसाले जो कि मेरे को डालने हैं। थोड़े बहुत मसाले डालती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, जैसे कि हो गया धनिया पाउडर हो गया। और आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करना, ऐसे बना के देखना, तो बहुत अच्छी और टेस्टी बनते, क्योंकि मैं तो कई बार बना चुकी हूँ और ऐसे ही तो अच्छी लगती है। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, ज़्यादा नहीं डालूंगी हल्दी में, मतलब अपने स्वाद अनुसार रखना, कोई ज्यादा गाढ़ा रंग मतलब ऐसे रख करता है पसंद करता है। और नमक डाल दूंगी, नमक मैंने पहले भी डाला हुआ है इसलिए मैं थोड़ा ही डालूंगी इसमें, ज्यादा नमक ना हो जाए, तो इस वजह से। और थोड़ी सी इसमें डालूंगी मैं देगी मिर्च, लाल देगी मिर्च, वो भी तो वो भी अच्छी रहती है सब्जी में। और बच्चे खेल रहे हैं बैट बॉल, ये देखो क्या कर दिया, क्या कर रही है छोटी, है देखते हो इसको, ये पानी पीने आई है और इतनी गर्मी छा रही है इस छोरी में, ये देख लो
स्वेटर भी निकाल दी और इनको है ना खांसी जुकाम हो रखा है, बुखार हो रखा था 2 दिन पहले और इतनी जल्दी इतनी गर्मी आ गई इसने कि हाँ निकाल के ये फेंक दो कपड़े, मानते ही नहीं है बच्चा कहाँ होगा, ऐसे अपनी अपनी चलाते हैं कुछ, ये जल्दी बीमार हो जाते हैं। कल है ना करण की कान में दर्द हो रहा था शाम को, फिर उसको दवाई दिलवा के लेके आए इसके पापा और फिर अब बच्चे के कान में दर्द है तो बहुत ज्यादा, क्योंकि जुखाम और खांसी था उनको तो इस वजह से थोड़ी ये लाल देगी मिर्च डाल दी है इसमें, रंग आ जाएगा थोड़ा सा, अच्छा लगता है ये मेरे को तो अच्छा लगता है बिल्कुल, ये है ना इनके दादा और इनके पापा ये कम पसंद करते हैं ज़्यादा ताम जाम, तो इस वजह से मैं कम ही बनाती हूँ, कम ही डालती हूँ मसाले वगैरह तो इस वजह से। और शादियों में भी बनती है मतलब दाल मखनी बोलते हैं जिसको, उसमें भी बहुत पसंद आती है मेरे को बहुत ज़्यादा, वो दाल तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है चावलों के साथ, मैं भी कभी ट्राई करूँगी बनाऊँगी, मैं बनाती हूँ वैसे पर कभी कभी बनाती हूँ, अभी सामान मंगवाऊंगी ना आपकी बात तो तब मंगवाऊंगी मैं उसके लिए जो दाल वगैरह होती है वो, तो अच्छी बनती है वो भी, वो टेस्टी लगती है, मैंने बनाई है पहले भी। और जब हम खाना वगैरह खाने जाते हैं ना बाहर तो दे भी देते हैं दादा वाले नान पे होती है वहाँ पे राजमा देते हैं तो मैं तो खा लेती हूँ, नीरज नहीं खाते कभी भी बाहर की राजमा, उनको अच्छी नहीं लगती, घर की तो फिर भी खा ही लेते हैं वो बनी हुई पर बाहर की नहीं खाते वो, ऐसी तो ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, बन हो जाता है किसी का कुछ फेवरेट हो जाता है खाना, कभी किसी का कुछ हो जाता है कभी सुन से। और ये देखो बातों बातों में मेरा तड़का भी तैयार हो चुका है और अब इसमें मैं राजमा डाल दूंगी, थोड़ा सा और पकाऊंगी मैं इसको ताकि ये अच्छे से पक जाए तेल वगैरह छोड़ दे, और फिर इसमें मैं डाल दूंगी राजमा, राजमा भी मैं देख लेती हूँ, मैंने चेक नहीं की भाई कितनी वो पकी हुई थी कितनी रह रही थी, तो इस वजह से तो ऐसे होता है। और आज है बच्चे घर पे ही, कपड़े वगैरह मशीन मैंने लगा दिए, कपड़े धो रही हूँ मैं थोड़े बहुत, ऐसे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं प्रेस के लिए, नए भी हैं और पुराने भी हैं, और जो सर्दियों के कपड़े हैं वो भी मेरे को रखने हैं क्योंकि ज़्यादा मोटे तो कपड़े अब डाले नहीं जाएंगे सर्दियों के, तो इस वजह से। और राजमा मेरी अच्छे से पक चुकी है बहुत ज़्यादा ही मतलब हाँ ठीक पक चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा मसाला भी हो चुका है तो मैं इसमें डाल दूँगी मसाला, जैसे मैं सोच रही थी कि इस मसाले को ना कुकर में ही डाल दूँ ताकि ये अच्छे से मतलब पक जाए, तो इसमें ना पकी तो हो गया वैसे पर जो पानी वगैरह है ना वो मेरे को कच्चा अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं इसमें ही डाल के एक सीटी और लगवा दूंगी, इसमें अच्छे से हो जाएगी और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी इसमें क्योंकि ज़्यादा घाड़ी घाड़ी सी हो रही है, तो इस वजह से। और थोड़ा सा मसाला डाल दूंगी, मसाला भी इसमें गरम मसाला डालना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा रहता है गरम मसाला भी, तो वो मैं भी इसमें डाल दूंगी, इसमें ही डाल दूंगी क्योंकि मेरे को लगवानी है इसमें एक सीटी, क्योंकि हमेशा ही लगवाती हूँ मैं एक सीटी, तो इस वजह से। और क्या कहते हैं थोड़ा सा धनिया पाउडर भी, मैं धनिया पाउडर तो मैंने डाल दिया, धनिया डालना है इसमें हरा धनिया पत्ते वाला, देखती हूँ 1-2 दिन हो गए लिया था तो ऐसे ही हो रखा है ये भी, तो छाट छाट के डालना पड़ेगा। और इसमें मैं डाल दूंगी धनिया, ये थोड़ा सा हरा धनिया था ये मैंने ले रखा था, तो अच्छा होता है सब्जी में हरा धनिया डालना, ये तो कम खाते हैं पर हाँ मैं डाल देती हूँ, अब तो खाने लग गए हैं पहले तो बिल्कुल भी नहीं खाते थे, अच्छा ही नहीं लगता था इनको, तो इस वजह से तो अच्छा रहता है भाई पेट वगैरह के लिए भी अच्छा रहता है, जिसको गैस वगैरह बनती है तो उसके लिए भी तो धनिया तो खाना चाहिए हरा धनिया, और सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है धनिया डालने के बाद, एकदम से 4 चांद लग जाते हैं सब्जी में, तो अभी मैं इसमें एक सीटी लगवा दूंगी, ये बन के तैयार हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है आप लोग, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना,
और फिर मैं बना दूंगी रोटी, क्योंकि इनके दादा तो खाएंगे रोटी और हम खाएंगे राजमा चावल, तो उनके लिए तो मैं बनाऊंगी रोटी ही। तो मिलते हैं आपसे बाद में, ठीक है, ओके बाय बाय। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि किस किस को राजमा चावल अच्छे लगते हैं और किसको नहीं लगते हैं, ठीक है, कौन रोटी के साथ खाना पसंद करता है और कौन चावल के साथ खाना पसंद करता है राजमा को, तो आप सभी वही कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, ओके मिलते हैं, बाय बाय। अभी मैं डाल रही हूँ चावल, तो हाँ ये चावल बन गए हैं और राजमा भी रेडी हो चुकी है मेरी, तो थोड़े चावल लूंगी और प्याज लिया है मैंने साथ में, और राजमा को कर लेती हूँ गरम, तो बहुत टेस्टी टेस्टी यम्मी बनी है, बच्चों ने भी खाई है तो उनको भी पसंद आई है राजमा, तो अभी मैं डाल लेती हूँ राजमा और साथ में ले लूंगी लस्सी और जीरा डाल के, तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। गरम हो चुकी है और अभी डाल लेते हैं राजमा, तो ये देखिए रंग भी कितना प्यारा आया है राजमा का, बहुत ही ज्यादा एकदम यमी यमी टेस्टी, और बच्चे हमारे फोन नहीं छोड़ते हैं बिल्कुल भी, फोन में अच्छे लगे हुए हैं। तो ये देखिए आज का हमारा खाना खा लो भैया आप सभी भी, राजमा और चावल गरम गरम है एकदम, तो मस्त मस्त अच्छे लग रहे हैं बहुत, और साथ में लूंगी मैं लस्सी जीरा डाल के, तो ठीक है मिलते हैं आपसे, आप सब भी बना के और एंजॉय करिए खाइए, ठीक है, ओके बाय बाय।